तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मंतिस माउस प्रो को आप कैसे एक्टिवेशन करेंगे, फुल ट्यूटोरियल। तो इस एप्लीकेशन को हमें चलाने के लिए एक और एप्लीकेशन की ज़रूरी पड़ेगी, जिसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन, जो कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को भी आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। अगर आपके सेटिंग में पहले से ही है मोबाइल में, तो आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको एक्टिवेशन कैसे करेंगे मंतिस माउस प्रो को। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मंतिस माउस प्रो एप्लीकेशन में। चलिए हम चलते हैं अपने मंतिस माउस प्रो एप्लीकेशन में। तो हम आ चुके हैं अपने मंतिस माउस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा कनेक्ट नहीं है, ऑटो रिकनेक्टिंग मंतिस माउस प्रो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पहले डेवलपर ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद USB डबकिंग को ऑन करना पड़ेगा और वायरलेस डबकिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करने के लिए हमें पहले अपने सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पहले अपना डेवलपर ऑप्शन ऐड कर लेना है। तो डेवलपर ऑप्शन सबको पता ही होगा कैसे कैसे ऐड करना है। तो मैं पहले से इसको ऐड कर चुका हूँ। तो ऐड करने के बाद फिर नीचे आऊँगा, फिर एडिशनल सेटिंग में जाना है। यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शन छिपा रहता है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर लूँगा। USB डबकिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे परमिशन मांगेगा, दाब के इसको ओके कर देना है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद आपको वायरलेस डबकिंग को भी ऑन करना है। तो उसके लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वाईफाई पहले से कनेक्ट करके रखा था, तो यहाँ पे वायरलेस डबकिंग को भी ऑन कर देते हैं। उसके बाद फिर से चलते हैं हम अपने मंतिस माउस प्रो में। यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे हो चुका सब कुछ। उसके बाद आपको सिंपल इस क्या करना है, स्टार्टिंग पेयरिंग पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्टिंग पेयरिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे मिलेगा वायरलेस डबकिंग। वायरलेस डबकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेयरिंग डिवाइस विद पेयरिंग कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कोड दिख जाएगा। उसके बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है। स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए जिस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड करवाया था, उसको आपको पहले ओपन करना है। तो ये रहा, इसको ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे ऐड आ चुका है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद इनेबल सर्विस पे क्लिक कर देना, इनेबल सर्विस पे। इसको इनेबल सर्विस पे क्लिक करके आपको ट्रिगर बैक बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बैक बटन को क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन हो चुका है। उसके बाद ऐसे करने के बाद आपको यहाँ से फिर से आ जाना है अपने मंतिस माउस प्रो में। फिर स्टार्टिंग पेयरिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, वायरलेस डबकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेयरिंग विथ पेयरिंग डिवाइस विथ पेयरिंग कोड पे क्लिक करना है। फिर आपको स्प्लिट स्क्रीन कर देना है। स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कोड डाल देना है। तो मेरा कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको कोड डाल देना है, आपको जो मिलेगा फ्लोटिंग विंडो पे करके आपको कोड डाल देना है उसमें। उसके बाद आपका भी एक्टिवेशन हो जाएगा मंतिस प्रो में। तो यहाँ देख सकते हैं मंतिस माउस प्रो इज कनेक्टेड यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम आपको गेम प्ले करके दिखा देते हैं कि इसका गेम प्ले कैसा है, की मैपिंग भी आपको करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गेम प्ले को ऑन कर दिया है। तो ये किस इस प्रकार से ओपन हो रहा है, आप माउस का कर्जर भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं माउस भी वर्क कर रहा है एकदम अच्छी तरीके से। तो जल्दी से पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड में चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इंटर बटन दबाया, तो ये स्विच टू टच माउस, माउस का कर्जर लिख रहा है। तो यहाँ माउस 360 डिग्री तक एकदम वर्क करता है। तो मैं जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं माउस का कर्जर यहाँ दिख रहा, शो हो रहा है। यहाँ मैं की को प्रेस करता हूँ और यहाँ से ये चलने लगता है। तो
थे, थोड़ा मेरा माउस हिल गया था, इसको मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ, एक सेकंड। तो ये मैं WADS कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है देख सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा माउस का थोड़ा लगा देता हूँ, अच्छे से सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ देख सकते हैं फेज वन कनेक्ट नाउ हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा है। मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं, मैं WADS प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से भाग रहा है, एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बस माउस का मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी वो भी वर्क करने लगेगा। मंतिस माउस प्रो इज सबसे अच्छा है दोस्तों। ये WADS बटन का देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैंने दोस्तों पहले से इसमें की मैपिंग करके रखा था, देख सकते हैं मेरा माउस भी वर्क करना शुरू कर दिया, देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए एक डैमेज कितनी अच्छी तरीके से दे रहा है आपका, मेरा माउस भी कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो मैं पहले आपको गन उठा के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से गन ले लेता हूँ जल्दी से, उठा ले भाई, हाथ से उठा लेते हैं पहले हम उसको। तो ये हम फोन ले लेते हैं जल्दी जल्दी, हम गन को ले लेते हैं, उसके बाद हम फायरिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से फायरिंग करता है। स्विच टू पॉइंटर मोड आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने की मैपिंग किया है, देख सकते हैं मंतिस माउस प्रो का लोगो, यहाँ से मैंने की मैपिंग किया है, यहाँ से मैंने की मैपिंग किया दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो फायरिंग बटन है, गन चेंज करने का बटन है उस, अब चलते हैं थोड़ा फायरिंग करके देखते हैं आपको, देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंटर बटन प्रेस करने पे ये फायरिंग कर रहा है, देख सकते हैं माउस का कर्जर। मैंने पहले से इसमें की मैपिंग करके रखा था, और उसमें गन स्विच किस तरह से होता है दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, जो माउस का नाचने वाला बटन है दोस्तों वो भी उससे गन स्विच होता है। और पांडा माउस प्रो में नहीं देख सकते हैं यार, पांडा माउस प्रो में इस तरह से आप गन चेंज नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन पर मैं नचाने पर इसको गन चेंज हो रहा है, देख सकते हैं एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं किल करता हूँ इन लोग को, मंतिस माउस प्रो बहुत सबसे अच्छा है दोस्तों, सबसे अच्छा मैं जानता हूँ, और पांडा माउस प्रो दोस्तों वो भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, सब अच्छे हैं जितने ऐप हैं। और ऑक्टोपस ऐप पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले मैच में मैं ऑक्टोपस पर वीडियो बनाऊँगा, मेरा बैटरी भी लो हो गया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।